चलो दोनों बुकलेट ला रहे एक दे दो आप डालोगे अमेजन पे तो नियोडाइमियम डालोगे अपने आप ही वो दिखा देगा सर रेट जनरल आइडिया तो लगी गया मैग्नेटिज्म का और एनवायरनमेंट का पढ़ी लो सर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है क्या एनवायरनमेंट से पांच वो हम करा देंगे सर एक एक्स्ट्रा है क्या ये उधारी का है मेरे पास जो अकेले बैठा उसके साथ बैठ ओके आप बोल चल ये चाहिए ऐसी तो चालू करें सेक्शन है इन एन अटेम्प्ट टू डेमोंस्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट तो ये ऑपरेटर यूज किया गया पहले का आंसर तो अच्छी था बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक बल्ब विल ग्लो बिकॉज एनी व्हिच इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयन Bulb will not glow, circuit is incomplete. Bulb will not glow because it depends upon the type of. Only two. C option. That is C. Second, देखो. The following reaction is an example of Na3+5H2O. And C. अरे तीनों के सी है रट लो ऐसे रट लो तीनों के सी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एंड रिडॉक्स रिएक्शन जरा देखो कि NH3+5O2 gives NO plus 4H2O तो यहाँ दिखाया गया है कि 4NH3 है कितनी चीज है तो नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन अलग हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है
हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन में क्या जुड़ रहा है, रिडक्शन। तो ये तो रिडक्स हो गई और ये कह रहा है सिर्फ ओनली थ्री नहीं लिखा है ना, नहीं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऐसा नहीं लिख सकते वो एन को डिस्प्लेस कर रहा ऑक्सीजन में, ऐसा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट पे पॉजिटिव कैटायन पॉजिटिव करना चाहिए, एच यहाँ पर नेगेटिव है और ये प्लस है और यहाँ पर इसका रोल चेंज हो गया है, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया है, तो कुछ हम ऐसा नहीं कह सकते, बस ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दिस इज रिएक्शन, आप भी लिख देना यहीं पर, ये डिस्प्लेसमेंट में फिर से समझो, मान लो जैसे जेडन है और NaCl है, तो हम देखते हैं लिखवा सरनाका मगल मंजन है ना, तो ये Na ज्यादा ऊपर है जब नीचे, तो अब इसमें हम ये कहेंगे कि Na ये कुछ नहीं करेगा, मान लो जेडन Cl2 होता और Na होता, तो Na कहता आई विल मेक साल्ट सॉल्यूशन एज यू आर लेस रिएक्टिव, तो Na इसके साथ अपना एक साल्ट सॉल्यूशन बना देता, जिंक को डिस्प्लेस कर देता कि नहीं, तो इन दिस वे इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव कैटायन इज रिप्लेस्ड बाय तो सोडियम, तो यहां पर सोडियम से, तो इफ मतलब ये होता है सेम काइंड ऑफ आयंस आर रिप्लेस, मोर एक्टिव आयंस इज रिप्लेसिंग लेस एक्टिव आयंस। तो अब यहां पर देखो N है, वैसे यहां पर देखिए N की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है, इलेक्ट्रो निगेटिविटी, और N की क्या है 3 है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो अब आप देखिए नाइट्रोजन से कौन कौन जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन, तो इस पर 3 माइनस का पार्शियल चार्ज है, इसने तीनों से इलेक्ट्रॉन ले लिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 है, तो बताओ जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो क्या इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा, तो करा लेगा। तो अब ये कह रहा है कि तुमने ऑक्सीजन इससे बोलेगा कि तुम इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, तुम हटो हम लेंगे, है वैसे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो अभी एक और ऐसी चीज आप देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि HCl हो और F2 आ जाए, तो बोलो क्या तुम्हें बताया गया है, क्या फ्लोरीन इससे कहेगा कि आई एम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड आई विल मेक साल्ट सॉल्यूशन, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की कितनी होती बताओ, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है, तो वो ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन की कितनी होती है 3, समझ आई बात, तो इस ये कहेगा आई एम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव या मोर रिएक्टिव, अपने ग्रुप में सबसे ऊपर हूँ और रिएक्टिव हूँ, 17 ग्रुप का सदस्य हूँ और आपका कंजीनर हूँ और मुझे अपनी जगह दीजिए और आप हट जाइए, तो यहाँ पे क्या बनेगा स्वामी बताओ, बताइए बोलो एच, उनको बताना चाहिए, ऐसा थोड़ी कब तक बेसिक का पेपर हल करती रहोगी, कभी कभी तो बताओ कुछ। हाँ बोलो, तुम बेसिक का हल कर देती हो, ठीक है, तो अब इसमें HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और Cl2 अलग हो गया, सो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिकॉज मोर रिएक्टिव, ये नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, ओके, और अदर साइड में क्या है, ऊपर वाले में मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, यहाँ क्या है मोर इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहाँ देखो ये ज्यादा रिएक्टिव है कि ये ऑक्सीजन, तो लिखोगे मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस मोर लेस रिएक्टिव, यहाँ देखो इन दोनों के बीच में तुलना करो, तो क्या लिखे यहाँ पर, इन दिस मोर रिएक्टिव
नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन सा है अर्पिता? यस, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, नॉन मेटल, दैट इज एन, सो इट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इनका इन ये क्वेश्चन ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा तो नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट, यानी ऑक्सीजन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? ये नाइट्रोजन को। सो इट इज डिस्प्लेसमेंट एंड एज वेल एज रिडॉक्स। समझ आ गई बात? यहाँ पर इसके लिए एक सेंटेंस बोलो तुम्हान जी, डिस्प्लेसमेंट का अकॉर्डिंग, मतलब हाँ एक स्टेटमेंट बोल दो बस मुझे। और तो कुछ इन दिस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव क्लोरीन फ्रॉम HCl। सही है, इट्स अ सॉल्ट सोल्यूशन एंड मेक्स इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इन दिस, अच्छा बताया है आपने। अच्छा एक आप ही बता दीजिए दिव्यांगी, क्या बोल? इन दिस मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, कौन सा मेटल? Na डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल Zn एंड, सही है, makes its from its salt solution and makes its own salt solution, और अपना खुद का ही ये एक salt solution बना लेता है। More reactive, non-metal displaces less reactive non-metal chlorine, so it is displacement reaction। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं Li से शुरू करते हुए पूरी सीरीज बनाओ तो अपने ताकि लिख डालो। तो नहीं लिखा और अति में 2 प्लस नहीं लगाया और यहाँ 3 प्लस भी नहीं लगाया, दूसरा अति कहाँ है? मग अल मन जन कर पी कट कोनी सन पी धातु आई तो बहुत सारे लोगों ने सही लिखा है, बटो ठीक है, इन्होंने भी सही लिखा है, अंशिका ने भी, इन्होंने भी सही लिखा है, चार्जेस के साथ सही लिखा है। चलिए तो दिस इज ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? फ्लोरीन, और मोस्ट एक्टिव मेटल किधर से शुरू होता है? तो इसमें मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल ये सारे हैं, ये और तुमने एक कौन सा इधर उधर करवाया था, कोई करवाया था अर्पिता? हाँ सर, वो मिटा के सही एजी वाला था।
अच्छा सिल्वर बाद में आता है, ठीक है उसको ठीक है। चलो सी ये हो गया, आई टू हो गया, तो ये सब क्या है? दीज आर नॉन मेटल, और इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? ठीक है ओके, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बात नहीं करो, थर्ड क्वेश्चन देखो। दोनों ही है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, दैट इज CaO प्लस H2O, तो पीयूष शिरवी इसका क्या बनाओगे? CaOH होल ट्वाइस, और हीट भी लिबरेट होगी, तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा अच्छा, तो विच इज इनकरेक्ट? ए, ए इज इनकरेक्ट, बाकी सारे करेक्ट हैं। स्लेकेड लाइन, ढीला चूना प्रोड्यूस होगा। स्लेकेड लाइन का क्या मतलब, बात नहीं करो, ढीला चूना। और दूसरी चीज That is exothermic reaction और combination reaction भी है, तीनों बात सही है, endothermic तो नहीं है ना। तो ये A आएगा इसका करेक्ट। फोर्थ देखें, N2 plus CH2, इस reaction का अर्पिता क्या नाम है? बोलो, मतलब तो नाम बता दो। Haber process, किसी को नोबेल प्राइज मिला इसकी वजह से, तुम उसका नाम भी बता रही हो। एबर ने रिएक्शन कराई PNH3 से, और जैसे ही अमोनिया बना वैसे ही पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर्स का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। अमोनिया बनने की देर थी, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, ना जाने क्या क्या सब कुछ, अमोनिया नाइट्रोजन ही तो चाहिए, तो सब कुछ बनने लगा। तो इसमें फिर सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड डालो अमोनियम सल्फेट, फॉस्फोरिक एसिड डालो अमोनियम फॉस्फेट, तो इसी से सारे फर्टिलाइजर बनते हैं। अमोनिया के बनाने की इन्होंने तरीका बताया। इसमें 200 डिग्री मतलब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 670 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता, और बाकी आयरन और मॉलिब्डेनम के कैटलिस्ट डालेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें पूछा क्या गया है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट NH3 है, तो एकलव्य बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये बात सही, ए करेक्ट। फिफ्थ, Which one of the following properties is not general exhibited by any compound? B. तो सॉलिबिलिटी तो होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड लैटिस पॉइंट्स पे जड़े रहते हैं, दे कैन नॉट मूव, तो इट इज नॉट एग्जिबिटेड, दैट इज बी इज नॉट एग्जिबिटेड। सिक्स देखें, a student required hard water for an experiment which is not available. In the laboratory there are some salts which were dissolved in distilled water. Can convert it into hard water. तो अगर distilled water का क्या मतलब होता है सार्थक? Distilled water सृष्टि without इसमें कोई भी mineral, ये pure water है। हम प्योर वाटर में क्या डाल देंगे, हार्ड वाटर बन जाए, बाकी सब में सोडियम है, कैल्शियम है, तो ईच साल्ट ऑफ विच आर डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर विल मेक इट हार्ड, तो कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड डाल दो, कैल्शियम एंड डी, क्योंकि कैल्शियम होगा तो स्टीरेट बना देगा, और स्टीरेट बना देगा तो वो तो कोवेलेंट है, फिर वो सोप का काम ही नहीं करेगा। अच्छा तुम्हें मालूम है सोप पे फोम क्यों बनता है? पानी में डाल देने से, और गंदा कपड़ा डाल देने से फोम चला क्यों जाता है? मिसल्स तो तभी होंगे जब ग्रीस में जाएगा, मैं कह रहा हूँ पानी में डाला, तो पानी में जब तुमने इसको एजिटेट किया तो वो एयर के साथ ऊपर ऊपर आ गया, और सोडियम तो डिसॉल्व हो गया, लेकिन जो इसके साथ ये निगेटिव है ना, वो कहते हैं दूर दूर रहेंगे, और उसमें भी सोप बाहर है, तो ध्यान से देखना जितने भी बबल है उसके ऊपर ऊपर सोप तैर रहा, सोप ऊपर, ये हवा है तो बीच में एयर है, इसी को लेदर या फोम कहते हैं, और ये हवा की बात कर रहा हूं,
कि इसमें झाग क्यों बनता है, क्योंकि तुमने एजिटेट किया, तुमने कहा पानी बजाओ, फिर भाग के बाहर आ गए और कहेंगे अब हम बाहर भी रहेंगे, दूर दूर भी रहेंगे, तुमने सारा सोडियम मेरा ले लिया। और बाहर रहने पे हवा बीच में है, वो जितने फूल जाएंगे कहेंगे हम दूर दूर रहेंगे, भाई हमारे अंदर निगेटिव चार्ज है। तो झाग बनने का कारण समझ में आ गया, बिकॉज निगेटिव चार्ज है, सोडियम तो सारा किसके अंदर चला गया, पानी में वो घूम रहा है, तो सोडियम एंड पानी में अभी निगेटिव क्या एक साथ पास पास रहेंगे क्या, तो इनमें जब रिपल्शन होगा तो एयर के बबल बना। और जैसे ही तुमने इसमें गंदा कपड़ा डाला ये सारा झाग खत्म, अब वो ग्रीस के पक्ष में चले जाते हैं। अगला देखिए, सेवेंथ, दैट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का सौम्य फार्मूला बताओ मनीष। C4H7। ये काफी अच्छा रहेगा, बोलो एक लगे ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ यही है, क्योंकि एक COOH के भी तो सी छोड़ना पड़ेगा, पहले ही चारों हथियार सब यूज कर लो और फिर बाद में दैट इज C3 और COOH। ठीक है कि नहीं, अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लेना कौन सा सही है। डी ठीक है। तो डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ सेल, तो ये किसका क्रॉस सेक्शन आपको लग रहा है, लीफ का है, और इसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिनमें क्लोरोफिल है, जिसको मीजोफिल कहते हैं, जो पत्तियों में उनको, हाँ क्लोरोप्लास्ट है, और ये सारी चीजें इनके नाम बता दें। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉर्मली कंटेन क्लोरोप्लास्ट, देखो 2 में क्लोरोप्लास्ट है और 4 में भी होगा, कार्ड सेल में भी। क्या आंसर है इसका, सेकंड एंड फोर्थ। अंदर इतने मीजोफिल है, ये है, ये एपिडर्मिस है, ये वैक्सिक्यूटिकल है, और इसके बीच में ये है क्लोरोप्लास्ट, ये जो सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, ये भी सेल है, लेकिन इस सेल में क्या होगा, ये तो लीफ है, और लीफ में ये एक गार्ड सेल होगी, और फिर इसके बाद नीचे इनमें बहुत सारा गैप होगा, क्योंकि एयर का एक्सचेंज होता है ना गार्ड सेल से, तो ये दीज आर मीजोफिल, जो बीच में पत्तियों को भरेंगी तो उनको क्या कहेंगे, मीजोफिल्स। इसमें भी क्लोरो, इसमें क्या चीज होगी, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, इस सेल के अंदर मीजोफिल एक सेल है, और उस सेल में क्या होगा, मीजोफिल के अंदर क्या होगा बताओ, क्लोरो, ये देखो मीजोफिल एक सेल है, जो लूजली पैक्ड सेल है उनका नाम क्या है, मीजोफिल, और उस मीजोफिल में न्यूक्लियस होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, होगा न्यूक्लियस, लेकिन ये क्या है बताओ सृष्टि, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये रोटियों जैसा रखा है ये क्या है, दैट इज स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ही जो रोटियों जैसा स्ट्रक्चर होगा उसी को तो क्लोरोफिल कहेंगे कि नहीं, वो क्लोरोफिल किसकी वजह से हरा है, मैग्नीशियम की वजह से, तो दैट इज, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स दैट इज क्लोरोफिल, ये स्ट्रोमा है, इन द स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोमा, स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोमा, इस चीज को देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए
द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ये देखिए स्ट्रोमा एक बार देखो एकदम आगे बढ़ जाए whose nutrition is shown by this. तो इसने क्या किया फूड को खा लिया है pseudopodia से खा लिया है ठीक है सो दिस इज ईटिंग ऑफ समथिंग ड्यू टू दिस न्यूट्रिशन इन अमीबा अमीबा में न्यूट्रिशन जो ये हो रहा है ये पैरामीशियम को खा रहा है अमीबा से छोटा कौन है ये पैरामीशियम पैरामीशियम से छोटा यूग्लिना यूग्लिना से छोटा हाँ तो पैरामीशियम खाता है यूग्लिना को देखो खा लिया इसने पैर बढ़ा लिया अपने धीरे धीरे पहले बाहर था लेकिन इसने इसको कैप्चर कर लिया अब देखो ये इसके अंदर क्या छोड़ेगा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स which ultimately digest this paramecium अभी छोड़ा जाना बाकी है और फिर तुरंत इसकी हलचल बंद हो जाएगी जैसे इसमें लाइपेज जाइमेज और एमाइलेज छोड़े जाएंगे इसकी हालत खराब ये डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर जो फूड वैक्यूल है उसमें से इसका एसिमिलेशन हो जाएगा अच्छे न्यूट्रिएंट्स फिर बन जाएगा ये वेस्ट वैक्यूल और अल्टीमेटली इट इज बाहर फेंक दिया जाएगा कोई आया वो देख लेना आपने कैसे उसे डाइजेस्ट कर दिया नेक्स्ट देखो तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अमीबा देखो स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सर बात नहीं करो विच इज डिटरमाइंड दैट इज क्रोमोसोम कौन बात कर रहा है पीछे फोन कर रहा है सर क्यों कर रहे मना करो मत करने दो एक पैर चल टंट देखिए टंट का आंसर दो सार्थक पढ़ने ही करते हैं दैट इज क्रोमोसोम को तो सब आता है लेवन Which is the correct direction of flow of electrical impulse? Electrical impulse हमने देख लो electrical impulse हमने पहले भी बताया है कि electric current है उसी से MRI चलती है तो यहाँ पर आप देख लीजिए electrical impulse in nervous system तो nervous system में एक तरीके की current flow करती है इस current को देखो How does the pain you experience when it runs from your central nervous system to the skeletal muscles in your arm, causing them to contract? Millions and millions of neurons. इसमें करंट चलेगी. और करंट चलेगी तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. और उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम MRI में ले सकते हैं फिर से देखिए MRI स्कैन तो MRI अब उसी करंट से मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक मैपिंग देखो तो अगर हमने MRI स्कैन में इसको डाल दिया एक व्यक्ति को देखो अंदर गया ठीक है इसके अंदर होने के 5,000 रुपए तो ऐसा मैप बनेगा इसमें मैप देख रहे हो ब्रेन का मैप अलग अलग मैप बन रहा है ठीक है सो दिस इज
MRI scan. तो इसमें अलग अलग स्कैन होता ये है, दीज आर द स्कैन। तो ब्रेन में देख लेंगे कि एक डिफेक्टिव ब्रेन क्या है और एक सही ब्रेन क्या है, ये सब स्कैन है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो देखी गई है। तो इसमें देखा गया कि किसकी ब्रेन डिफेक्टिव है और अच्छे वाले से तुलना की गई, तो फिर वो दिखा देंगे भाई यहाँ यहाँ डिफेक्ट है, उसको ठीक कर देगा डॉक्टर। समझ में आ गई ना बात? तो दिस इज मैग्नेटिक मैपिंग। ऐसे बहुत सारे मैप निकाले जाते हैं और करीब वो तुमको 5000 में ऐसे मैप पकड़ा देगा जिसे तुम तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जो डॉक्टर होगा उसके लिए अलग पैसे, वो पढ़ लेगा क्योंकि उसको सब पता है कि कहाँ कहाँ पर मैग्नेटिक मैपिंग गड़बड़ी आ रही है। नाउ 11th क्वेश्चन देखिए, विच इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो सी सही है, उनके बीच में सिनेप्स होता है या सिनेप्टोनीमल गैप होता है। विच डायग्राम ए बी सी आर सीक्वेंशियली, विच डायग्राम द पार्ट्स ए बी सी डी। तो ए क्या है मतलब, ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे ऊपर जो ऊपर जाए और जो नीचे जाए वो रेडिकल है, और ये उसके दो कॉटिलीडन या द्वि बीज पत्री है। दैट मींस जैसे चना हो गया, अब मोनोकॉट कौन से होंगे, कॉर्न हो गए, व्हीट हो गए, राइस हो गए, जो दो फलकों में ना टूट सके। और चना हो गया, मटर हो गई, उसके दो फलक होते हैं, तो ये डाई कॉटिलीडन है। तो इसको कहेंगे कॉटिलीडन। और कॉटिलीडन में से अगर मान लीजिए ये एक चना है, तो चने में आप ये देख रहे हैं ये चना, तो चने में यहाँ पर एक कुछ पोर्शन होगा यहाँ पर, ठीक है, दैट इज इसमें से एक रेडिकल निकलेगा और एक नीचे क्या होगा, ये रेडिकल है और ये प्लैंगुले। ओके, सो दैट इज जहां से निकलेगा उसका नाम है हाइपोकोटाइल। उस जगह का क्या नाम है, हाइपोकोटाइल में से एक प्लम्यूले निकलेगा और रेडिकल। कई बार पूछा जाता है, आगे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया तब हम बता देंगे, अभी तो सिर्फ तीन नाम ही पूछे गए हैं। तो वन क्या है, प्लम्यूले, और सेकंड है कॉटिलीडन ए बी एंड सी। सी इज रेडिकल, रेडिकल से रूट बनेगा, प्लम्यूले से स्टेम बन जाएगा। अब कॉटिलीडन इज द इनिशियल फूड स्टोर। तो किसी भी चीज में हमने आपको बताया था एंडोस्पर्म क्या होता है मनीष, क्योंकि जो अननेसेसरी चीजें हैं वो भूल जानी चाहिए। एंडोस्पर्म क्या है, स्टोर्ड फूड टिल द फर्स्ट लीव्स या ट्रू लीव्स डज नॉट कम, तब तक के लिए वो उसका फर्ज है। यही है जो कॉटिलीडन, यही एंडोस्पर्म। इसकी प्लॉयडी क्या होती है मनीष, ये हैरान हो गए प्लॉयडी सुन के, नहीं हमें आप बताइए एंडोस्पर्म की क्या प्लॉयडी है। ट्राइप्लॉयडी होते हैं, दैट इज एंडोस्पर्म की प्लॉयडी 3 है, और एम्ब्रियो की प्लॉयडी क्या है, ये तो है बोल दिए बोलो। हाँ, तो मतलब जब हम पढ़ाते हैं तो भी मुझे भरोसा नहीं रहता कि जब इनको ढूंढ पूछते हैं तो ये कूड़े के ढेर में, रद्दी के ढेर में ढूंढने लगते हैं कहाँ फेंक दिया, और दूसरा सजा के देता है कि 23 तारीख को आपने पढ़ाया था, सर ये लीजिए आपका सामान। तो दो तरीके के बच्चे हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो ये चीज़ है, हम कैसे सुनते हैं, है ना। अभी कल ही एग्जाम्पल दिया कि देखो सृष्टि दो बार में नहीं सुन पाएगी कल, तो सम स्टूडेंट्स आर इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट लिसनिंग, इस चीज़ को वो इंश्योर करते हैं। तो अब अगला देखो, एंडोस्पर्म की प्लॉयडी बताओ सृष्टि, और साथ में एम्ब्रियो की। बहुत अच्छा, खास तो सुधार है एंडोस्पर्म की। और एंडोस्पर्म करता क्या है, स्टोर फूड, इट इज स्टोरिंग फूड, और एम्ब्रियो ही इज ए फ्यूचर प्लांट। एम्ब्रियो क्या है, यानी अगर आप ये देखिए ये मेज है, ये मक्के का दाना है, तो इस मेज में जहां पर ये एंडोस्पर्म बना, एंडोस्पर्म किसके किसके फ्यूजन से बना,
ourselves or it? अभी सुन जानता लोग कुछ नहीं कि तुम्हारा भी नहीं 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 आप बोलो साक्षी भाई आप ये मुझे बताइए इन्होंने सही बता दिया कि सिंह एनी है किसके किसके बीच जो हमारा एक न्यूक्लियस आया था ऊपर से मेल न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस और साथ में एग से उससे सिंह इन्होंने देखो बहुत बड़ी बात है हमने एंडोस्पर्म का पूछा और इन्होंने बता दिया एम्ब्रियो का है बड़ी बात की नहीं कुछ लोग एक्स्ट्रा भी जानते हैं एम्ब्रियो किससे बनता है ये देखो ये है ओवरी ये क्या है ओवरी में अभी अभी एक पॉलन ग्रेन गिरा है वो कहीं एंथर से गिर करके गिर गया होगा तो अब यहां से स्टिग्मा पे गिर गया इसमें से पॉलन ट्यूब निकली एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस निकला और एक जनरेटिव न्यूक्लियस निकला और ये चीज जो है ओवरी है ओवरी में हाँ ये जो दो पोर्शन है सौम्या इनका क्या नाम है क्योंकि तुम ही बता सकती हो मुस्कुराहट ही इसका जवाब है दैट इज इंटीगमेंट कोई बात नहीं ये एंड कौन सा कहलाता है सौम्या बहुत अच्छा किसने बताया माइक्रोफाइलर एंड माइक्रोफाइलर एंड और ये सेलेजल एंड है अब इसके अंदर देखो ये नाइट्रोपाल ये इसको फोड़ के भी घुस जाता है कई बार और नहीं तो यहाँ से कुछ ऐसे बराती आते हैं शादी में जो पीछे का कनात फाड़ फूड देते हैं कहते हैं हम यहाँ जाएंगे मेन दरवाजे से नहीं जाएंगे तो वो शैलिजल एंड से चले जाते लेकिन कुछ यहाँ से आ तो जो यहाँ पर आ रहे हैं इनके स्वागत के लिए एक कौन है बताइए दैट इज एग सेल और दो उसके साथ में कौन है सिनर्जिड सेल सखियां जो जयमाल के खड़े होते हैं और यहाँ पर एक कौन सा होगा बोलो वेजिटेटिव न्यूक्लियस दूसरा जनरेटिव जो जनरेटिव है वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट इसकी मृत्यु हो जाती है और जनरेटिव के फिर से एक माइटोसिस होती है दो सेल में टूटेगा एक सेल किससे जुड़ेगा जाकर एग न्यूक्लियस से जिसको इन्होंने बोला सिंगेमी होगा एक देखो ये जनरेटिव न्यूक्लियस है कि नहीं जनरेटिव सेल इसके बाद में दो टुकड़े हुए ये यहां से निकले दो निकले ये खत्म हो गया इसका क्या नाम है ध्रुवांशी ऊपर वाले का ये खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद जब उसको सिर्फ उसको वहां तक पहुंचाने के लिए था ठीक है कि नहीं और जनरेटिव के कितने पार्ट हो गए दो माइटोसिस से पार्ट हो गए एक जाके तुमको मालूम है यहाँ पर ये दोनों न्यूक्लियस का ध्रुवांशी क्या नाम है पोलार न्यूक्लियस उसके साथ एक मिलेगा क्या उसी को तुमने कहा था कि ट्रिपल फ्यूजन तीन मिल गए दो पोलार न्यूक्लियस फ्यूजेस विद वन जनरेटिव सेल एंड इट्स प्लॉइडी इसकी प्लॉइडी क्या होगी ट्राइप्लॉइड एक एन इसका एक एन इसका एक एन इसका तो थ्री एन हुए जो सार्थक ने हम लोगों को बताया था कि ये ट्राइप्लॉइडिक है और इससे क्या बनेगा That is endosperm. Correct बता दिया. तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन में कौन कौन मिला बताओ बहुत अच्छा पोलर न्यूक्लियाई और एक ये कौन सा है यही जनरेटिव है यहाँ से इसके अंदर चला गया अच्छा एक यही जब इसके अंदर आया तो एक तो इसके साथ मिल गया ये आगे आने पर यही चीज दो में बदल जाएगी ये खत्म हो गया और ये दो में बदल गया तो जो दो है जो असली दूल्हा था उसने दुल्हन को जयमाल पहना दिया और एक और था वो बराती था उसने कहा खाने की मेज कहाँ लगी वो पीछे पहुंचा तुरंत और उसने कहा कि हम एंडोस्पर्म बनाएंगे एंडोस्पर्म क्या होता है एक लगे उसकी प्लॉइडी क्या है एंडोस्पर्म बनता किसके किसके फ्यूजन से है और उस फ्यूजन का क्या नाम है बोलो सौम्य और ये बीज पत्र है इसको क्या कहेंगे बीज और इसको क्या कहेंगे एंडोस्पर्म को यह बीज पत्र है फ्यूचर फ्रूट सो एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन
वाइल एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड ड्यू टू दिव्यांगी, भाई तुम्ही को बताना होगा, बोलो सुप्रिया। सिंगेनी, सिंगेनी का मतलब सिन का मतलब साथ साथ जो गेम खेलें, तो सिन गेमी, तो इसका क्या मतलब है कि दूल्हा दुल्हन की तो सिंगेमी हो जाएगी और बाकी बरातियों की क्या होगी, ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बना और सिंगेमी, क्या दो जगह ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। समझ आ गई बात की नहीं, तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो हो गया और एंडोस्पर्म। ये इसकी प्लॉयडी 3N लिखना, इसकी प्लॉयडी 2N, इसी में एक हाइपोकोटाइल होगा और वहीं से क्या निकलेगा, प्लम्यूले, ये कहलाएगा प्लम्यूले और ये रेडिकल। जिसको ज्यादा खाने की जरूरत, कॉटिलीडन जो होता है वो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को मिला के हम पूरे को कॉटिलीडन, कॉटिलीडन एम्ब्रियो अलग है, एम्ब्रियो यहीं के आसपास का पूरा क्षेत्र है और ये कॉटिलीडन है। ये बहुत अच्छा पता है तीनों ने पूरी बात स्पष्ट कर दी, जिसमें एक पत्ती निकले शुरू शुरू में उसे मोनोकॉट कहना और पहले में दो पत्तियां निकल जाए तो डाइकॉट। ये बहुत बड़ी बात, शुरुआती पत्तियां दो हो तो डाइकॉट। समझ में आ गई बात कि नहीं? हाँ, तो फिर अगर जब फ्रूट बनता है तो पल्प किसको कहते हैं? ये सही कह रही, इन्होंने कहा कि सब ओवरी को पल्प कहना चाहिए, और ये जो ओवरी है ये पल्प बन गई, और ये जो चीज थी ये क्या है, इसका नाम बताओ, ये क्या है बताओ, तुम बताओ ये क्या है, ओव्यूल। ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहे, इनको तो नाम ही नहीं पता था चीजों को। ओव्यूल है, ओव्यूल क्या बनेगा, सीड। देखो सीड इसके अंदर एम्ब्रियो और कॉटिलीडन है, ये सीड कोट बन जाएगा, सही कि नहीं, और ओव्यूल बन जाएगा क्या, तो ओव्यूल है सीड कोट और इसके अंदर की जो चीजें हैं वो सीड बन जाएंगी, और ओवरी क्या बन जाएगा, दैट इज पल्प बन जाएगा। तो अगर हम कहें कि जो ग्राम का सीड है, ग्राम चने का पौधा, उसमें पहले पहले दो पत्ती आएंगी कि एक पत्ती, दो पत्ती, तो फिर से समझे, मुझे ये बताओ जो सेब में उसका पल्प है या फ्रूट वाला हिस्सा है वो क्या है, ये बताएं, ये प्रबली नहीं बता सकते, सब नहीं बता पाएंगे, तो जो इसका, ये सही बता दिया, जो रिसेप्टिकल है एप्पल की जगह है वो बन जाता है सी, तभी तो उतना मीठा नहीं होता। मतलब कई कई बार क्या होता है ना, ये ओवरी इसके अंदर धंसी हुई है, ओवरी इसके अंदर घुसी हुई है, कई बार ये अंडर स्ट्रेटम होती है, कई बार ओवर स्ट्रेटम हो जाती है, अंदर यही फूल गया जिस पर सब कुछ लगे नहीं रहता, पंखड़ी अंखड़ी रिसेप्टिकल होता है जो, हाँ। वही फूल जाए तब सेब बने, तभी तो सेब उतना मीठा नहीं होता, ओवरी फूले तो आम की जैसी मीठी हो, समझा, रिसेप्टिकल फूल जाए तो सेब है, कई बार पूछा जाता है, हाँ जो उसका फूला हुआ हिस्सा, क्योंकि उसमें ये ओव्यूल नीचे धंसा हुआ है, सही है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते, चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन बन रहा है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिकल करंट इंक्रीज है, अच्छा बताया डी, 14 इसमें दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन ABCD, ABCD में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, तो अब इसमें मतलब ऊपर से नीचे करंट जानी चाहिए, नहीं सर बंद कर दिया, की बंद कर दिया नहीं तो दो तरफ से क्यों करंट दिखा, नहीं वो बंद कर दिया, ही इज टेकन आउट, मतलब की बंद है तो अभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, और के मैग्नेट है वो सब ठीक है, सर्किट ओपन कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कह रहा है कंसेंट्रिक एलिप्टिकल इन शेप स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, हां क्योंकि पैरेलल क्यों होगा, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें ये नॉर्थ माना जाता है, तो यहां से जाएगी यहां चली जाएगी, अब बहुत सारी फील्ड होंगी, इतनी जल्दी तो यहां पर वो नहीं होगी ना, बहुत बड़ी अर्थ है, तो इस तरीके से यहां अगर कंपास रखो तो ये फील्ड लाइंस आपस में क्या है,
पैरेलल हम यहीं पर अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं खड़े खड़े, तो दैट इज पैरेलल। फिर से समझो, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से निकलती है और कहां जाती है, साउथ की ओर। तो इस तरीके से यहाँ पैरेलल है, यहीं पे हमने अपनी टेबल रख दी है, ये कंसेंट्रिक है। समझो, यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर से लाइन निकली और 2000 तक गई, 6400 किलोमीटर रेडियस है, 64 तो रेडियस है, 12800 किलोमीटर। तो कोई ऐसी लाइन तो नहीं होगी कि यहीं दब जाए, अरे अभी उसको बहुत आगे जाना है, यहाँ से तो कम से कम पैदल जाए, जरा सा मोड़ देंगे तो यहीं दब जाएगी। तो उसको यहाँ से निकल के कहाँ जाना है, 12800 किलोमीटर का सफर करके साउथ में जाना है। तो हमारे लिए तो नियरली पैदल ही हुई, जो चीज 12000 आगे जानी, क्या यहीं दबा दोगे, एक ही मीटर पे वो जुड़ जाएगी, वहीं का साउथ पोल है, तो कोई साउथ पोल पे तो रह नहीं रहा। तो इस तरीके से जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, तुम यहाँ कंपास रख दो, यहाँ कंपास रख दो, तो तुमको नहीं यहाँ वाला इधर झुकेगा, यहाँ इधर झुकेगा, क्योंकि साउथ में जाए नहीं जाएगा ऐसा, यहाँ यहाँ सब जगह रखो सब एक जैसा, जरा जरा देर में क्या होगा। यानी ये फील्ड जैसे नॉर्थ से निकली और साउथ जा रही है, तो आपको लग रहा है ये सब एक ही जैसे पैरेलल जा रहे हैं, यू कैन नॉट विजुअलाइज इट दैट दीज आर कन्वर्जिंग, तुम्हें ये नहीं लगेगा कि साउथ में कन्वर्ज करें, इतने छोटे से एरिया में तुम विजुअलाइज कर दोगे। जैसे सन की रेज है, कोई कहे भाई सन से तो निकली है और फिर जब सन से निकली होगी तो ऐसे जाएगी, तो ऐसे जा रही, कोई कहे यहाँ हमने आंख में देखा, अब मैं कहूँ नहीं ये जो दो सन रेज आ रही है ये कन्वर्ज करनी चाहिए क्योंकि सन से आ रही है, तो क्या तुम्हारे पीछे ही सन है, तब तो तुम जल जाओगे, जरा सा भी तुमने दबाया वो दिल्ली में भी होगा तब भी तुम अफोर्ड नहीं कर पा उसको 14,88,00,000 किलोमीटर दूर होना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है। तो इस तरीके से इट इज नियरली पैरेलल, क्योंकि बहुत दूर से जो आ रही है, तो इसी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी हुई, नियरली पैरेलल हुई कि नहीं, हम तो विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, इट इज पैरेलल फॉर अस, तो नियरली पैरेलल है, अदरवाइज थोड़ा सा भी एंगल दे दोगे तो ठीक है। तो 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सार्थक, 14 का सी होगा। नेक्स्ट देखो 15, स्टूडेंट कैरीज ऑन एक्सपेरिमेंट द वी आई ग्राफ, तो आपको ये बताना है कि किसका रेजिस्टेंस हायर है या सभी का रेजिस्टेंस इक्वल है। देखो ये अगर हमारे पास यहाँ पर वी है और ये क्या है आई, ठीक है, तो अब इसमें है 3 हमने ले लिया और साथ में हमने इसको ही सक्सेस से भी मिला दिया, तो अभी ये बताओ V क्या होता है, आई आर, तो R क्या होगा, बी बाई आई। तो अब अगर हम एक एंगल लें तो ये भी पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ये R1 लिखा है तो इसको लिखो V1 I1 और ये क्या है V2 I2 और दिस इज V3 I3। अब ये देखिए, अब हमारे पास कुछ एंगल लेना है हमको, तो हमको V बाई आई करना है, तो आप ये देख लीजिए यहाँ देखने पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ देखने पे लग रहा है कि x एक्सिस छोटी है और ये y बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना मैं इसे 2.6 लिख दूं, ये बहुत बड़ा है और ये चलो बीच में है 45 डिग्री, तो चलो इसको 4.4 लिख दो और इसे 6.2 लिख दो, मतलब ऐसा तो देखा जा सकता है ना, ये 6 गए तो 2 चले 4 पे 4, ये बीच का हो गया और ये 2 पे 6। अच्छा तुम्हें v बाई आई करना है तो क्या यही टेन थीटा होगा, मेरा कहने का मतलब है जैसे v बाई आई और यहाँ थीटा लो, थीटा 1 ये स्लोप ले लो, थीटा 2, वास्तव में इसने डायग्राम ठीक नहीं बनाया है, ओम्स लॉ के हिसाब से v कायदे से यहाँ होना चाहिए लेकिन इसने बना दिया तो ये बना दिया। तो अब मुझे v बाई आई करना है तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ, v अपॉन आई कर कर देख लो सब में,
तो पता चल जाएगा कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा। ना बनाओ थीटा भी मत बनाओ, तुमने एंटीसिपेट तो अब तक कर ही लिया होगा, सब वैल्यू अपने मन मन में सोच ली। हाँ। तो अब तुम इसी में देख लो, तो V by I करो प्रवीण जरा, 2/6 तुमको बड़ा लगता है वही R है, V by I देख लो यही R है, तो तुमको 2/6 बड़ा लगता है कि 4/4 या 6/2। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें होगा, आर वन के आर टू के आर थ्री, आर थ्री में होगा, तो आर थ्री। बट ये ग्राफ ऐसा सही नहीं है, आपको ऐसा मिलेगा जिसमें V इधर होगा, ओम्स लॉ के ग्राफ में V इधर होता है और I। नहीं सर, हमारे एक सर ने बताया था ऐसा कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, क्या कंफ्यूज करने के लिए। चलो ऐसा भी दे दे तो तुम अपने तरफ से वैल्यू लिख लेना, वैल्यू लिख लो भी तुरंत पता चल जाएगा, आर्बिट्रेरी वैल्यू डाल लेना और V by I करके देख लेना। तो जिसके लिए जो, तो अब इसमें क्या आप कंक्लूड करते हुए क्लब आरटी क्योंकि यहाँ से वी बाई आई करके देख लिया, सो दैट मीन्स सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर कंटिन्यूअस क्लोज कर्व, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम, ये गलत है, तो डी गलत होगी। Assertion, corrosion of iron is a serious problem. हमारे यहाँ जितना भी आयरन निकलता है 1/3 आयरन में जंग लग जाता है, तो पूरा ये ड्यू टू corrosion है। और जहाँ जहाँ ट्रॉपिकल रीजन है यानी गर्मी ज़्यादा पड़ती है और टेम्परेचर में वेरिएशन ज़्यादा है, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है सौम्या के टेम्परेट में ट्रॉपिकल, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा इवेपरेशन होगा तो वहीं सबसे ज़्यादा बारिश भी होगी। तो ट्रॉपिकल रीजन में कोरोजन एक बहुत बड़ी समस्या है। हम क्यों डेवलपिंग नेशन है और अमेरिका क्यों डेवलप्ड नेशन है, वो टेम्परेट में है, वहां रस्टिंग का प्रोसेस ही नहीं है। जो एक बिल्डिंग बनाई 2000 साल 200 साल बाद भी नई की नहीं है, हमारे यहाँ तो 50 साल पहले बनाए और फुल ही टूट जाता है। टेम्परेट का मतलब है जहाँ टोटल वेरिएशन इन टेम्परेच 20 डिग्री का हो, टेम्परेचर में वेरिएशन कितने का हो, 0 से 20 तक ही जाता, और यहाँ 0 भी रहेगा सर्दियों में और 50 भी जाएगा। जब ऐसी स्थिति होगी तो रूस कहेगा हमारे यहाँ तो ये विमान 50 साल चलता, लेकिन चूंकि तुम ट्रॉपिकल में रहते हो तो 20 साल चलेगा, 20 साल बाद फेंक देना, क्योंकि सब रस्टिंग वस्टिंग हो जाएगी, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो हम इसी में ही लगे रहते हैं नए पुल बनाना है। अमेरिका तो जो लोगों को रोजगार देने के लिए 100 साल पुराने नए पुल तोड़ देता है, उसके 100 साल बाद भी नए ही है, वो कहेगा 100 साल नए, हम कहेंगे 50 साल पुराने, क्योंकि वो सब रस्टेड हो गए। तो हम इसीलिए डेवलपिंग है, और वो कैसे हैं डेवलप, उनकी मेटलर्जी करने के बाद आयरन छोड़ देते हैं यार्ड में और 50 साल बाद भी जंग नहीं लगा। हमारे यहाँ चूंकि मॉइस्चर टेम्परेचर चाहिए और वो सब ठीक ठाक है, तो इसलिए हमारे यहाँ इट इज सुटेबल फॉर आयरन टू गेट रस्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन, तो हमारे यहाँ सब रस्टेड हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो अब ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, Corrosion is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. बने हुए installation को भी replace करना, फिर उनको paint करना, इन्हीं सब में पैसा जाता है। तो क्या चीज कहनी चाहिए, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ए हो जाना चाहिए फिर ना, क्यों साक्षी करेक्ट नहीं है, तो हमें डाउट थोड़ा हम एक बार देखें क्या लिखा है आंसर की में, क्या दिया है ए है ना, क्योंकि सीरियस प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ का इतना आयरन खराब हो रहा है, तो सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अब 18 देखो, डोमिनेंट एलील इज एन एलील हूज फिनोटाइप एक्सप्रेसेस इवन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील रुवांशी, so ये क्या डोमिनेंट एलील विच एक्सप्रेसेस इट्स फिनोटाइप इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलील, क्या ये डेफिनेशन ठीक लग रही है आपको, बट सृष्टि तो कह रही है डिफरेंट एलील में जो अपने को एक्सप्रेस करे वही तो डोमिनेंट है, जो सिमिलर में करे वो तो रिसेसिव है। अनदर सिमिलर में रिसेसिव होता है और अनदर में डोमिनेंट है, तो ये तो सही है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर टी, एसर्शन इज ट्रू है
चलो ठीक है, करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है ना, तो इसका बी होना चाहिए। अब लेकिन ये नहीं बता रहा है कि जो टी है वो टॉलर के लिए, टॉलनेस के लिए, एम्बिगुअस सही है। फिर भी चलो हम ये कह सकते हैं कि टी टॉलनेस के लिए है, ये मान लेते हैं। फिर भी ये करेक्ट एक्सप्रेशन है, ये बी हो गया। 19th देखो कि ऑल द प्लांट्स पजेस ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल इन देम। मतलब कुछ ऑल प्लांट्स क्या है पजेस ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट इसी बेसिस पर ही कैटेगराइज है या नहीं है? देख लो, सुन लो, करता ही है। उसमें नाइट्रोजन की कमी है तो वो सिर्फ नाइट्रोजन के लिए कीड़े खा रहा है, कोई खाना बनाने के थोड़ी खा रहा है। नाइट्रोजन उससे मिल जाएगा, हरे पौधे बढ़िया कर रहे हैं। देखो जो ग्राम धरती में बहुत सारी चीजें हैं, अच्छा कुछ ऐसे प्लांट है जो ऑटोट्रोपिक में, ये कस्टूटा बोल दिया अमरबेल, तो वो सही है, वो दूसरे से लेती है। सो देयर आर सम प्लांट्स विच आर पैरासाइटिक, तो ऐसे में वो हिटरोट्रोपिक मोड ऑफ, ये तो सही है कस्क्यूटा। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट का सैप चूसते हैं, तो उन सब जैसे गिलोय, गिलोय तुमने देखा है वो इस नीम पे चढ़ी थी, पूरे प्लांट को खराब कर दिया, नीम ही पूरा सूख गया। यही बहुत बड़ा एक विशाल पेड़ था यहाँ पे नीम का, तो उसको काटना पड़ा, पूरे में गिलोय गिलोय हो गई, सारा उसका जूस लिया प्लांट्स है। तो कस्क्यूटा गिलोय पीते नहीं हम लोग, जैसे कोरोना में खूब गिलोय पी गई। तो अब देखिए अभी भी नीचे जाओगे इसमें लटका हुआ मिलेगा, जो भी प्लांट है सभी पेड़ों में लटके हुए जो होते हैं वो गिलोय होंगे। तो अब इसमें क्या बताया गया, ये तो फॉल्स है ना, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट डी होगा। क्योंकि सभी प्लांट ऑटोट्रोप नहीं है, जैसे कि इन्होंने बताया कस्क्यूटा हीटरोट्रोपिक है। और दूसरी चीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, तो ड्यू टू प्रेजेंस इनकम्प्लीट सेंटेंस है, मतलब अच्छा रीजन है। सरसन बट सरसन एंड रीजन आर ट्रू, बट सरसन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट सरसन। सुन लो, अगर सरसन फॉल्स है तो रीजन ट्रू नहीं हो सकता, फॉल्स हो जाएगा। जो हम एसर्ट कर रहे हैं वही चीज गलत है। मैं कहूंगा आकाश लाल है क्योंकि, तो सब बच्चे आंसर देंगे सर हम बताएं आकाश क्यों लाल है, तो ये गलती है जो रीजन देगा। अगर मान लो हमने क्वेश्चन ही गलत चुन लिया, तो जो बढ़िया से बढ़िया जवाब देने वाला भी हो वो भी गलती जवाब देगा। इफ सरसन इज फॉल्स देन रीजन ऑटोमेटिकली बिकम फॉल्स। सुनो, अगर मैं कहूं बताओ ये व्हाई स्काई इज ग्रीन, बताओ आंसर, सही आंसर देना। सर आपका क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, यही है। इफ अ सन इज फॉल्स देन रीजन कैन नॉट बी ट्रू, व्हाई 2+2=5। जवाब सर सन अगर फॉल्स है तो कोई भी अच्छे से अच्छा आइंस्टीन भी उसका सही जवाब नहीं दे सकता, गलत चीज ही पूछी गई आपसे। तो सुन सही जवाब दे पाओ, देखो इन्होंने ये बात कस्क्यूटा बोली है, कस्क्यूटा तो मुझे लग रहा है जैसे अभी देख लेते हैं। एक बार देख ले तो बता। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, तो
प्रेजेंस ऑफ तो बात नहीं करोगे क्योंकि फिर हमको शाम को 5 घंटे पढ़ाने, हमको तो 10 घंटे बोले ना, तुम तो 1.5 घंटे बोल के चले जाओगे, फिर तुम बोलोगे तो फिर हमें और हायर पिच रखनी पड़ेगी, हायर वेवलेंथ रखनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखो, ये तुमसे कहा जाए यहाँ 10 घंटे खड़े होकर बोलो तो तुमको 100 रुपये दिए जाएंगे, फिर तुम नहीं बोलोगे, उसी टाइम बोलते जब हम बोल रहे हैं। सो दैट मीन्स थोड़ा सा ये भी देखो, जो फिर उसके बाद हमें 3 घंटे कॉपी भी चेक करनी होगी, ये 10 घंटे ही सोच रहे हो क्या? और फिर वोट डालने वहां भी 1.5 घंटे खड़े रहो। तो फिर अब यहाँ देखिए, दैट इज assertion, इसमें ये दिया गया है और प्लांट पजल्स ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यही है, इसको सही मान लिया गया, कस्क्यूटा को इन्होंने इग्नोर कर दिया। डी लिखो, 19 का डी कर देना, ये बता रही कि गूगल पे सभी प्लांट को ऑटोट्रोप नहीं कहा गया है, कस्क्यूटा इज एन एक्सेप्शन, तो इसलिए हर चीज में एक्सेप्शन होता है, ठीक है कि नहीं? तो अब ये ऑल वर्ड यूज कर दिया, सुन लो, ऑल नहीं करता, जैसे मैं सुनो बात नहीं, फिर तुम उधर जाके दोनों लोग डिस्कस कर लो और टॉयलेट के बाद फिर आ जाओ, ठीक है? सुन लीजिए कि अगर वो कहता मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो सही है, और कहता ऑल मेटल्स टू फॉल्स, मतलब कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं, या कह दे कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर तो सही है, और ऑल नॉन मेटल कह दे तो गलत है। तो ये जो ऑल वर्ड है कि ऑल प्लांट्स आ गया, ये गलत कर रहा है, सिर्फ प्लांट्स कहता, प्लांट्स हैव ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो सही होता, तो इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर। गूगल देखो ऑल वर्ड से गलत हो रहा ना, तो हमको कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा, ऑल नहीं होना चाहिए, मेटल में तो सब जगह लिखा ही है, फिर एक्सेप्शन की हम बात करें। 20th आंसर देखो, आगे देखो, मैं बात नहीं करो ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सॉलिनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। प्रियांशु, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट कैरिंग सॉलिनॉइड में क्या वो उसके लेंथ पे डिपेंड करेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगी? सॉलिनॉइड पे नहीं होती है, सॉलिनॉइड में इनसाइड सॉलिनॉइड इज यूनिफॉर्म, तो इसका आंसर क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, सो मैग्नेटिक फील्ड है मतलब इंडिपेंडेंट है, न्यू सही है, और मैग्नेटिक फील्ड इज, लेकिन बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर मान लो वो कह रहा है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, तो तुम कह दो वो इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसके अंदर फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या ये सही एक्सप्लेनेशन हो सकता है? ये तो कोई बात नहीं हुई, तो इस सही है, दैट इज ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेक्शन बी, so a metal is treated with H2SO4, the gas evolved is collected by the method as shown in figure, answer the following। तो हमने इस गैस को कलेक्ट किया मेटल, तो अगर एक मेटल M है और H2SO4 के साथ हमने इसको ट्रीट किया मनीष, तो इसमें ये बताओ, if metals are treated with acids then which gas is evolved? H2 gas है, तो उसको हम कलेक्ट करेंगे, तो अगर आप कलेक्ट करोगे तो ये कौन सा मेथड है बोलो? That is water displacement method. Water displacement method में हाइड्रोजन हल्की गैस है या कोई भी गैस होती तो ऊपर आ जाती है, तो if metals are treated with, किससे ट्रीट किया गया? एसिड, कोई भी एसिड, तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, क्या यही एसिड बेसन सॉल्व कराया गया? अच्छा, तो इससे हमें कोई भी मेटल ले लो, आप एम ले लो नहीं तो जेड एन ले लो, तो ZnSO4 + H2 और H2 को हमने कलेक्ट कर लिया, तो
name the gas, name the method for collection of gas. That is water displacement method. तो B है, A क्या हो गया? H2 gas. Water displacement method. और C देखो, list यही है. List any two observation when highly reactive metal is dipped in water. तो after what देखो? अगर हाईली रिएक्टिव मेटल को पियानी हम पानी में डुबो दें जैसे सोडियम को तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा. हेलो, हाँ बोलो. इफ एक्टिव मेटल, मोर एक्टिव मेटल, जैसे आपको फर्स्ट ग्रुप के सभी हैं, लीना, केरब, सीएसपर, उन सब में से किसी को भी अगर पानी में डाल दिया जाए तो आग लग जाती है. तो बताओ कौन सी गैस इवॉल्व होगी, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या चीज आप देखोगे? हाइड्रोजन इवॉल्व होगी और बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व. एंड दैट हीट इवॉल्व, ड्यू टू हीट इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस व्हिच इज अ फ्यूल, ये क्या होगा, कैचेस फायर इवॉल्व. ठीक है ना? तो पहली बात है, पहला पॉइंट है कि हीट इज इवॉल्व, ये एक्सोथर्मिक है. और सेकंड क्या होगा, H2 गैस इवॉल्व कैचेस फायर. यानी अगर मैं सोडियम को पानी में डालूं तो फायर का क्या रिएक्शन होगी, बोलो? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा सोल्यूशन में. और H2 एक बार इसको बैलेंस करो. बैलेंस है, बहुत अच्छा. नहीं नहीं है तो ठीक है. नहीं, तो करूं? थी 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 अब हो गया. तो ये जो H2 गैस है, इट कैचेस फायर. तो हवा में O2 है और H2 में आग लग जाएगी. ठीक है कि नहीं? तो वो वही क्या मेटल फ्लोट करेगा, क्योंकि ये हल्के मेटल्स हैं. जो फर्स्ट ग्रुप के सभी मेटल्स हैं वो कैसे हैं, लाइट मेटल्स हैं. तो ये फ्लोट करेगा. वैसे भी सोडियम में आग ना लगे, ऐसे केरोसिन में डुबो तब भी फ्लोट करेगा. वो कौन से दो मेटल हैं, जैसे कैल्शियम क्या भारी है कि हल्का पानी से? तो भारी है तो क्यों फ्लोट करता है? ये बहुत अच्छा तुरंत आंसर. हाँ अब बताओ, अब देखो तीन लोगों ने बताया, बताओ. ओके नाउ अब देखिए 22nd देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन. 22nd पीयूष आप बताइए डिफ्यूजन क्या है. डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच द मटेरियल स्पेशली गैसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज ट्रांसफर्ड टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. की जरूरत नहीं है, ऐसा होता तो वो ऑस्मोसिस होती. तो दैट इज स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. या फिर ये भी कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. इसी को विसरण कहा जाता है. दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. डिफ्यूजन प्रियांशु किसमें किसमें होता है और किसमें किसमें नहीं होता, सॉलिड लिक्विड गैसेस में? गैसेस में होता है. पार्टिकल्स बताइए. नहीं तो सॉलिड लिक्विड गैस फेजेस में बताओ. गैसेस में होता है. और लिक्विड में अगर इंक और पानी में डालोगे तो क्या इंक पानी में मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? हो मिल जाएगी. हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. इसी को डिफ्यूजन कहेंगे. डिफ्यूजन इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज इफ
टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। यस सर, यस सर। ठीक है, या फिर स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। Of particles on their own, हमें ना मिलाना पड़े, अपने आप अगर क्या सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज हो जाएगा पीयूषी तो एक एग्जाम्पल दो कि कैसे हो जाएगा। ये ठीक बता रही है कि नमक पानी में घुल जाता है, ये टैलेंटेड है। तो दैट इज ऑन देयर ओन इज कॉल्ड, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जैसे नमक को पानी में मिला दिया, ठीक है, विच आर द फर्स्ट सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड पार्टिकल्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, व्हाट हैपेंस टू दीज मॉलिक्यूल्स इन द लीव्स लेटर। तो देखो सृष्टि बताओ इसका आंसर, क्योंकि सृष्टि कल इसका पेपर देगी तो सृष्टि बता ही लेगी। दैट इज, फिर उसका फर्स्ट सिंपल मॉलिक्यूल टू दी सिंपल मॉलिक्यूल, फिर उस किस में बदल दी जाती है, स्टार्च में, वो स्टोर करने के लिए जाती है। द फर्स्ट सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन लीव्स आर ग्लूकोज, इट इज लेटर ऑन कंडेंस्ड and stored in leaves in a form of starch. So, the first simple molecules formed in leaves during photosynthesis is स्टार्च। ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज में क्या है, C6H12O6, इसको मोनो शुगर भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है पिता, ठीक कह रही हो, मोनोसैकेराइड। सैकेराइड का मतलब ही है शुगर, और ग्लूको का क्या मतलब है, ये सही है। ग्लाइकोमा कौन सी बीमारी को कहते हैं, डायबिटीज। और ग्लूको का स्वीट, ग्लूको का मतलब है स्वीट, उसी से इसका क्या नाम पड़ा है, ग्लूकोज, उसी ग्लूकोज से नाम पड़ा है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन भी चाटने पे मीठा होता है। तो जहां ग्लाई आ जाओ ग्लाइसिन, और ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा किस बीमारी को कहते हैं, डायबिटीज, अगर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए ब्लड में तो डायबिटीज है। अब ये मोनोसैकेराइड है, विच इज, अगर प्लांट्स को इसको अपने अंदर कंडेंस करना है तो वो क्या करेगा, प्लांट इसके हजार मॉलिक्यूल ले लेगा, C6H12O6 के n मॉलिक्यूल, और उसमें से n वाटर निकाल देगा, और C6H10O5, और उसको कंडेंस करके बहुत सारे मॉलिक्यूल एक कंबाइंड फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको कहते हैं स्टार्च। और कितने वाटर निकाल दिए, If various molecules interlink with each other, तुमने देखा है कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं कि नहीं, उसमें तो उनमें से छोटा छोटा वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, अब पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं अमीनो एसिड से, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है, वाटर निकल रहा है और ये सब मिलकर एक पूरा जाल बना ले रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, स्टार्च। ग्लूकोज होता, तुमको मालूम है कि जो अंगूर में रस है और जो कॉर्न है उन दोनों में क्या फर्क है, ये ठीक कह रहे हैं, अंगूर में ग्लूकोज है वो लूज है, और वही सब पानी उड़ा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, किशमिश भी बन जाएगी, समझ आ गई बात की नहीं। तो वही चीज वाटर अगर चला जाए तो कंडेंस हो जाए तो वो स्टार्च हो गई, और वही अगर आप चाहें तो कॉर्न में भी देख लें, कॉर्न में स्टार्च है, आलू में स्टार्च है, और जबकि अंगूर में क्या है, ग्लूकोज, उससे थोड़ा गाढ़ा सैप हो तो होता है केन शुगर, वो डाई शुगर, सुक्रोज, ये C12H22O, ठीक है। तो लेटर ऑन इट इज फ्रक्टोज भी है, फ्रूट की शुगर फ्रक्टोज है, और स्पेशली अंगूर की होती तो ग्लूकोज है, बाकी फ्रूट की फ्रक्टोज है। देखो इन मुस्कुरा रहे हैं कि छोटे लेवल का पढ़ा जा रहा है, सार्थक मतलब ये कह रहे हैं इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
हाई लेवल नहीं पढ़ा रहे हम यहाँ बैठे हैं। तो फ्रूट की शुगर को क्या कहा? सरल चीजें नहीं बता देगा। और फ्रूट की शुगर को क्या कहा? बोल ही नहीं रही तुम कुछ। अब ग्लूकोज की शुगर को ये बताइए कि कौन सी शुगर है, और ये ग्रेप की शुगर जो इसमें बताओ गन्ने में जो शुगर उसको क्या कहोगे? सुक्रोज। बताओ तुम्हारी आवाज ही नहीं बोल पा रही, बोलो। और जो कंडेंस अगर कोई फूड है उसका उसको क्या कहोगे? पॉली शुगर। क्या कहोगे? ये ना जब दो मिले तो सी ट्वेल्व। अगर मान लो ये कंडेंस हो जाए एक और से तो इसमें वैसे ही लिखेंगे ये पॉली शुगर है, इसको स्टार्च कहेंगे। तो मान लो हमारी बॉडी में है वो लीवर के अंदर, वो लीवर ब्राउन कलर का दिख रहा है उधर, तो लीवर के अंदर है और वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है प्रियांशु? ये ठीक कर दैट इज इन अवर बॉडी। ये भी मुस्कुराने लगे, पहले नहीं, पहले सीरियस रहती थी, अब कहती क्या हल्का फुल्का। सो दैट इज द फूड स्टोर्ड या कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन अवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, व्हाइल इन प्लांट्स इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ व्हाट आर दोस प्लांट्स व्हिच डू नॉट फोटोसिंथेसाइज ड्यूरिंग डे टाइम? डेजर्ट प्लांट या ज़ेरोफाइट्स? वो दिन में सूरज की रोशनी ले लेंगे और रात को खाना बनाएंगे, क्योंकि दिन में अगर वो करेंगे तो रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाएगा, ये ट्रांसपिरेशन ज्यादा। समझ में आई बात कि नहीं? तो वाटर के इकोनॉमिक यूज के लिए वो रात को ये काम, और उनको कहेंगे ज़ेरोफाइट्स। है ना? कौन सा? हम ये देख लेंगे उनको। तो इस चीज को तुम्हें समझ में आ गया, इसको पॉली शुगर कहें या क्या कहें या स्टार्च कहें? इतनी बात समझ आ गई? अगर तुमने आलू खा लिया या कॉर्न खा लिया या गेहूं खा लिया तो कितनी देर बाद तुम्हें शेर भी दौड़ना चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत पानी लगेगा, खूब पानी पियो। अगर आलू खाए तो प्यास बहुत लगेगी, क्योंकि उसको तोड़ना इसमें। और फिर इसके बाद क्या, अगर ये ग्लूकोज में टूट गया, उल्टा कारनामा करना, पानी भी पियो आलू के बाद। अब अगर ग्लूकोज में टूट गया तो क्या आगे वो फिर टूट जाएगा जो इसको ब्रेक डाउन है CO2 और वाटर में, कि अभी भी पानी चाहिए? अभी भी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए भी वाटर चाहिए। अगर मान लीजिए ग्लूकोज के साथ तुमने 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दे दिए तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ शेर भी बनेंगे वाटर? तुम तो बताया करो, शेर जैसे वो बताते नहीं। 6 H12O6 + 6 H2O। अब बताओ ये रिएक्शन क्या होगी? अब ये जो रिएक्शन है क्या ये फोटोसिंथेसिस है? बोलो, हाँ बोल रहे हैं। ये क्या चीज है? रेस्पिरेशन। हाँ सृष्टि बताओ, CO2 + H2O कितना कितना बनेगा? 6 CO2 + 12 H2O और कुछ बता दो तो +38 ATP। ये तो ये रिएक्शन कहलाती है रेस्पिरेशन। थोड़ी देर चुप हो जाइए, ये बताइए रेस्पिरेशन का साइट कहाँ है? वेयर द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस? रुक जाओ, प्रॉब्लम बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज सेल में। और ब्रीदिंग क्या कहाँ होती है? लंग्स में। लंग्स में होती है। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है कि रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग इज समथिंग डिफरेंट और रेस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट। तो अगर हम दौड़ते हैं तो हमारी ब्रीदिंग फास्टर हो जाती है कि रेस्पिरेशन? दोनों। ब्रीदिंग क्यों ऑक्सीजन ज्यादा लेते हो? क्योंकि कहीं रेस्पिरेशन ज्यादा होना है। और ये बात समझ आ गई, विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस?
अच्छा जानते हैं आप ही बोलो। विच इज एंडोथर्मिक, कौन सी उष्मा शोषी अभिक्रिया है बताओ? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगला देखिए, कुछ नहीं लिख रहा है, जैसे आपको उसमें लिखा हुई ये तो जानकारी दे रहे हैं, थोड़ा रिमाइंड रिवीजन। हाँ बोलिए। मोनो शुगर, मोनो सैक्राइड, सैक्रीन जानते हो? सैक्रीन का मतलब है जैसे एक टैंक भर के पेप्सी बनाई गई, ऊपर से इतना सा सैक्रीन डालिए, उससे बिल्कुल जो शुगर है उससे 3000 गुना वो मीठी होती है। तुम एक सैक्रीन खा लो तुम्हारी बॉडी मीठी मीठी हो जाए, चारों तरफ मक्खियां चींटियां सैक्रीन सैक्रीन इतनी सी डाली जाए। लोग कहते हैं अरे कुल्फी उल्फी मत खा, सस्ती वाली सब सैक्रीन डाल के बनाते हैं, मम्मी बोलती है कि नहीं, उनको मालूम है कि सैक्रीन कितनी मीठी होती है और वो बिल्कुल मिलीग्राम में तौल तौल के डाली जाती है, जरा सी भी ज्यादा हो गई तो सारा डिसबैलेंस होगा कंपनी, वहाँ चीनी उनी का यूज नहीं होता सैक्रीन। और इसीलिए कहते हैं कि इट इज ए डाइट को, क्योंकि शुगर पड़ी नहीं, ग्लूकोज होता तो उससे तुम्हारे अंदर क्या कैलोरी बनती, सैक्रीन से डाइट कुक नहीं होती, मतलब सैक्रीन अगर डाल दो किसी चीज में तो उसमें कोई ग्लूकोज तो है नहीं, बट वो शुगर से 3000 गुना मीठी है। ऐसे और भी स्वीटनिंग एजेंट है जो शुगर से 10000 गुना भी मीठे हैं, तो लेकिन सैक्रीन तो नॉर्मली यूज होता है, क्योंकि सैक्रीन एक कुल्फी वाला कंट्रोल है, उसे मालूम है इतनी डालनी है कितनी डालनी है, तो पार्टिकल डाल। हार्मफुल कुछ नहीं है, ज्यादा खाने पे क्या है कि वो लोग सोचते हैं केमिकल है, लेकिन ऐसा हार्मफुल नहीं है, कुछ नहीं। तो यही तो कहते हैं कि शुगरलेस शुगर, शुगरलेस शुगर नहीं है वो, क्यूब्स आते हैं वो सैक्रीन ही तो, शुगर फ्री शुगर। तो अब देखिए भाई, बात बाद में करना, समंजन क्या है बताइए, फिर देखने लग गए आप बताइए। यस इट इज व्हेन एब्जॉर्ब्ड फूड इज अल्टीमेटली हैंडेड ओवर टू सेल, देन इट इज कॉल्ड and it is added to body, absorbed food becomes part and parcel of our body, then it is called assimilation, कि वो हमारी body में पूरी तरीके से समंजित हो चुका है। then absorb कौन करेगा? food, ये हम लोगों की blood vessels कर लेंगी जो microvilli में है, वहां से सब nutrients ले जाएंगी और plasma इसे carry कराएगा, ये किसी आरबीसी डब्ल्यूबीसी के साथ नहीं चलेंगे, प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में चलेंगे और सेल तक चली जाएंगी और सेल उसको वहां से ले लेगा। सो व्हेन एब्जॉर्ब्ड फूड बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर बॉडी देन इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एसिमिलेशन नहीं होता, तुम ही बता सकते हो? अमीबा। अभी वीडियो दिखा था कि नहीं, वे भूल जाते हो। अच्छा अभी आप बोल रहे थे कि ये हमारे एब्जॉर्प्शन का एक पार्ट, तो पांचों पार्ट सीरियली बताओ। पहले इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन होता है, फिर उसके बाद डाइजेशन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, बोलो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन डाइजेशन। ये सभी न्यूट्रिशन के फाइव पार्ट्स हैं। ओके 25th, draw neat diagram to show the reflection of light through a glass prism and label it the angle of incidence and angle of deviation. तो हम इसमें क्या करें कि ये जो लाइट आ रही है इसको पहले इस पे एक नॉर्मल डालें,
नॉर्मल में जो आने वाली लाइट है जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या वो नॉर्मल की ओर दब जाएगी, और दब जाएगी फिर से एक नॉर्मल लागो, और वही लाइट जब रेयरर मीडियम में जाएगी तो क्या नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो इसके अवे होने में ये जो हो गया ये क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सही कह रहे हैं इमर्जेंस, कैसे तुम्हें इतना पता है ठीक है, और ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई हो गया ये ई हो गया, और ये R1 R2 है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर से समझो दैट इज द एंगल मेड बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस इफ इट इज ट्रेस्ड बैक। तो अगर इसे ये देखो इसको तो आगे बढ़ा दो, द एंगल मेड बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो इनके बीच में जो एंगल बना उसी को विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एंगल मेड बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ, ये चीज है एंगल ऑफ इमर्जेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक बात समझ आ गई, तो अगर ये तुम्हें समझ में आ गई होगी साक्षी तो ये एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ प्रिंसिपल, ये सही बता रहे हैं करेक्ट, चेक कर लेते हैं इनकी बात ज्यादा करेक्ट लग रही है। अब दो लोगों में कंपटीशन, वो अरिहंत से पढ़ी है, ये आर वन है, अब आर वन देखो कहाँ है, फिर से समझो ये आर वन हुआ, अच्छा ये एंगल क्या कहलाता है, इतनी बात समझ में आ गई ठीक है, ये R1 हुआ और ये डेविएशन, और ये क्या हुआ बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें चार एंगल बन रहे हैं, क्या तुम्हें ये लगता है कि मान लीजिए ये नॉर्मल है क्या, नॉर्मल है, अच्छा जो ये एंगल है तो ये मुझे बताओ ये लाइन आ रही है ये भी कोई एक एंगल होगा, That is I कौन सा एंगल होगा जो नॉर्मल से इधर है, तो ये पूरा एंगल क्या हुआ बताओ, क्योंकि ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, फिर से देखो नॉर्मल सही है और ये असली रेखा ये, तो इनके बीच में जो ये एंगल है वही तो I ये हो गया सही है, और इधर E है तो यहाँ पे E कितना हुआ, ये E हो गया। अब हम बीच वाले क्वाड्रिलेटरल की बात करें, तो इसमें एक एंगल ऑफ प्रिज्म है, अगर इक्विलेटरल है तो 60 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा अब हम देखो ये सिर्फ मुझे बताओ कि मान लीजिए ये दीज आर द वेरियस एंगल्स, तो R1 है एक R2 है ठीक है, और हमारे पास A हो गया, एक बात बताइए ये जो चीज है ठीक है ये पूरा एंगल आई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसे थोड़ी देर के लिए x मान लो और इस एंगल को क्या मान लो, तो क्या तुम ये सोच रहे हो कि x प्लस r1 ही आई है, और ये भी सोच रहे हो कि y प्लस r2 ही है, और कहीं तुम्हारे मन में ये तो नहीं है कि डेल्टा x प्लस y है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो पहले लिखो डेल्टा किसके इक्वल है x प्लस, इतनी बात सही है, और ये क्यों हुआ क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अब लिखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अब यहां देखिए ये मुझे बताइए कि x प्लस r1 किसके इक्वल है, अच्छा और ये बताओ y प्लस r2 किसके इक्वल है, y प्लस R2, तो मुझे x और y की जगह यहाँ क्या लिख देना चाहिए, x is equals to i minus r1, और y को क्या लिख देना चाहिए,
ये चीज जान लेते हैं। तो दैट इज आई माइनस आर वन और प्लस ई माइनस आर टू और आई, और देखो धीरे धीरे प्रवीण की बात सही होने जा रही है, और माइनस लगा के आर वन लिखो, ब्रैकेट में क्या लिखो आर टू, इतनी बात समझ आ गई। अब तुम इस यहां पर देखो कि तुम्हारे पास आर वन है आर टू है, तो अब इस डायग्राम को थोड़ा और बड़ा करते हैं। मान लीजिए जैसे ये है, तो ये हो गया और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है इस तरीके से, इस पर भी एक परपेंडिकुलर ले जाए, ये 90 डिग्री लग रहा है, इनको पीछे ले लो, इनको मिला लीजिए, ये चीज एंड दिस इज ओके। अब देखिए कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल एंगल है, तो ये ए हो गया, ये कितना हो गया आर वन, दिस इज आर टू हो गया ओके। अब ये नॉर्मल से आई एंड दिस इज ई, और इसको आगे बढ़ा लो, देन दैट इज डेल्टा या डी कह सकते हो, ठीक है। अब हम देखें कि R1 है R2 है, R1 प्लस R2 180, R1 और इसको A कहा गया है ना, ऊपर वाला यही है, नहीं ठीक है, वो हमने पहले बताया हुआ है आपको। तो अगर ये सर, है पूरे को ये 90-90 लिख देंगे, हाँ, फिर वो 180 कर देंगे, ये जो एंगल है ये कौन सा है, हाँ, 180 डिग्री माइनस, ये देखो सही बता दें आर वन और प्लस ये एंगल तुम्हें पता है ये होगा इस एंगल में, हाँ, हाँ, क्यों हाँ, क्योंकि ये दोनों आर वन आर टू है, तो ये कितना हुआ, कितना हो गया, अच्छा चारों का सम करो अब, ये क्या 90 है नॉर्मल है, ये क्या है 90, तो लिखो ए और प्लस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस आर वन प्लस आर टू, ये मिलके कितना हुआ, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वही सही है, क्योंकि ये जो भी हो एक जगह ऐसा नहीं कर सकते, अब ये हो गया ये 90-90 और 180 का ये कट गया, ये चीज कट गई, अब वहाँ उसको रिप्लेस कर दो, आई प्लस ई माइनस ए, बोलो सही है, आप पूछो स्वामी बता देंगे, अब ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में ये क्या नॉर्मल था, और ये क्या था, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर एंगल एक्स वाई और जेड मान लेता, हाँ, तो तुम बताओ क्या आर वन प्लस आर टू और प्लस जेड क्या ये 180 होते हैं इस ट्रायंगल में, तो हाँ, जेड क्या होता, तो मैंने ये निकाल लिया, अब फिर इन इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो ए प्लस 90 प्लस 90 प्लस दिस, तो वो 360 हो गया, बाकी सारी वैल्यू कट गई, तो अब हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन इस तरीके से होगा, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज मोर देन द एंगल ऑफ डेविएशन इज लेस, तो लो बात समझ में आ गई, अगर ए की वैल्यू बढ़ी तो क्या होगा, ये डेविएशन कम नहीं हो जाए। चलिए इन सब चीजों को पूछा नहीं गया, सिर्फ आपसे ये डायग्राम पूछा गया, आप डायग्राम दिखा दें, और ये कभी पूछा भी नहीं जाए, कभी नहीं पूछा, अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन जब किसी को मालूम है तो इसका मतलब है कि वो चीज अरिहंत में दी है, तो आगे उसके पूछे जाने की संभावना है।
और का पार्ट देखे आर्यन के पेपर अभी हम भी बना रहे हैं। नोट्स है तो वो हमने करा भी दिया है पहले, ये तो करा रखा है याद नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन इट हिट्स सम पार्टिकल्स लार्जर देन इट्स वेवलेंथ। जब भी एक मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये N2O5 का भी हो सकता है, ये हवा में है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये वाटर भी हो सकता है, ये CO2 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, यह क्या हो सकता है, इन्हीं सब के पार्टिकल हो सकते हैं, H2S का भी हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का, इन्हीं सब से स्कैटरिंग होती है। तो ये देखो, जब ये इसको हिट किया, ये लाइट है, तो ये डिफरेंट रेंडम बाउंसिंग बैक, ये यहां भी रिफ्लेक्ट होगी, तो कहीं भी रिफ्लेक्ट हो जाए, इसको क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन रेंडम डायरेक्शन व्हेन इट हिट्स ए पार्टिकल ग्रेटर देन साइज ऑफ इट्स वेवलेंथ, ग्रेटर देन इट्स वेवलेंथ, इज कॉल्ड स्कैटरिंग। सो इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इन रैंडम डायरेक्शन व्हेन इट हिट्स, ये हिट करें पार्टिकल हैविंग साइज ग्रेटर देन इट्स वेवलेंथ। अब ये मुझे बताइए एकलव्य कि ब्लू पार्टिकल की वेवलेंथ ज्यादा होगी कि रेड की। ये सही कहते हैं, क्योंकि एकलव्य का मन सच्चा है, नहीं तो ये और कोई होता तो कौन बता पाए। तो जैसे ही इन्होंने कहा कि सर मेरा मन सच्चा है, ठीक है, इसलिए मैं रेड की बड़ी बता रहा हूं, रेड की बड़ी हो गई। अब ये भी बता दे एक लवे कि रैलीज क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग क्या है, जब इतना ही तुम बता रहे कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे। सौम्या बता देती है सारी बात पूरी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, ये चीज बताई गई आपको। तो यदि वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ किसकी कम होती है, ब्लू की कम होती है, अरे ब्लू की होती है। अच्छा ये कह रहे हैं कि ब्लू की कम होती है, हमको तो ये देख के भी नहीं बोलती, बहुत ईमानदार, ब्लू की कम और रेड की ज्यादा, कम बता रही ना, वेवलेंथ कम हुई ब्लू की तो उसकी अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग भी ज्यादा हुई, तो क्या इसीलिए हमारा आसमान नीला। सो वेवलेंथ ऑफ ब्लू इज लेस, सो इट्स स्कैटरिंग इज मोर। सो आप बोलो, होराइजन के नीचे सन होता है, इस वजह से सुबह लाल होता है, सुबह लाल इसलिए होता है क्योंकि दैट इज इट क्रॉसेस ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड मोस्ट ऑफ इट्स ब्लू कलर इज स्कैटर्ड ड्यूरिंग इट्स रूट ऑफ ट्रेवल या कोर्स ऑफ ट्रेवल एंड ओनली रेड वेवलेंथ रीचेस अस। तो इसमें क्या होगा, देखो ये बहुत बड़ी बात बताई है सृष्टि ने, आप लोग भी समझ रहे हैं कि ये हमारे पास अर्थ है और ये उसकी एटमॉस्फेरिक बेल्ट है। अगर यहाँ पर सन है, होराइजन पे सन है, तो बताइए अगर यहाँ पे सन है, इससे जो लाइट निकली वो बहुत लॉन्ग एटमॉस्फेरिक बेल्ट क्रॉस करेगी, और लॉन्ग एटमॉस्फेयर जो यहाँ खड़ा है उसके लिए सन आ रहा है और ये चला जाएगा, ये क्योंकि सन ऐसे चल रहा है, ईस्ट से निकला वेस्ट में अस्त हो गया, अर्थ ऐसे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, सन चलता है ईस्ट टू वेस्ट, सही है।
तो यहाँ वाले खड़े व्यक्ति के लिए शाम है, अर्ध कैसे घूम रही बता, और जबकि यहाँ वाले के लिए अभी शाम आने वाली है। तो भाई इधर देख लो कि अगर यहाँ एक पार्टिकल है तो उस पर कौन सी लाइट स्कैटर करेगी, ब्लू की रेड, ब्लू में स्कैटरिंग ज्यादा है, तो ब्लू जब स्कैटर करेगी तो ये देखो ये सारे कलर है, लेकिन जब ब्लू स्कैटर करी तो किसके पास पहुंची, यहाँ वाले व्यक्ति के पास, और जो यहाँ वाला खड़ा व्यक्ति है उसने देखा रे आसमान तो नीला नीला क्योंकि सभी तरफ नीला रंग बिखर रहा है, तुम इसी कमरे में नीली नीली लाइट लगा दो, कमरा ही नीला होता है। तो इस तरीके से जिस चीज का स्कैटर होता है वही कलर दिखता है। तो जो यहाँ खड़ा है अभी अभी शाम नहीं आई है उसके लिए ब्लू स्काई है, लेकिन अब अगर ब्लू यहाँ स्कैटर हो गया तो इसके पीछे अब कौन सा बचा जो स्कैटर नहीं हुआ है। ये देखो कि यहाँ पर ये देखो कि ये जैसे है तो हमने यहाँ पर एक पार्टिकल बना दिया। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसी कलर में एक ये था और दूसरा क्या है, एक रेड भी है क्या, तो ये जो रेड है वो ऐसा है, ये ऐसे निकल जाए। जैसे मैंने बोला ये साउंड की वेवलेंथ 1 मीटर है जबकि तुम्हारा साइज आधा मीटर है, और तुम साउंड तुम्हारे पीछे से डाइफ्रेक्ट होकर के सृष्टि तक पहुंच गया, तो उसे सुनने की जरूरत देखने की जरूरत नहीं है, वो बगल से निकल जाएगा। या कंप्यूटर सर बोले तो ये दीवार अभी 1 मीटर मोटी नहीं है, तो उनकी वेव लेंथ यहाँ से होती यहाँ जाती है, मेहरानगढ़ में ऐसा नहीं होता, उसकी दीवार 1 मीटर मोटी है, तो वहां जैसे उस साइड कुछ बोला जा रहा है वो चाहे ढोल नताशे बजाए या ढोल मजीरा बजाए यहाँ सुनाई नहीं पड़ता, जब देखो अरे वहां मेला चल रहा है तो वहां तब सुनाई पड़ता है, या तुम जब एक गली से दूसरे चौबारे पे निकलते हो तो तब तुम्हें पता चलता है यहाँ तो मृदंग बज रहा है, और उसके पहले बिल्कुल शांत, क्योंकि उसकी हर दीवार 1 मीटर वो है। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल अगर बड़े साइज से करेगा तो स्कैटर कर जाएगा, वो जैसे यहाँ पर तो रेड डज नॉट स्कैटर N2O5 के साथ, ब्लू स्कैटर कर गया। तो अब मुझे ये क्या लिख देना चाहिए कि ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ ट्रेवल एट इवनिंग इट क्रॉसेस द सन रेज क्रॉसेस ए लॉन्ग एटमोस्फेरिक बेल्ट। यहाँ छोटी है, यहाँ से कितनी बड़ी है देखो, ये बेल्ट बड़ी नहीं लग रही, यहाँ होता सन तो क्या उतनी बड़ी बेल्ट होती, तब नहीं होती, और इस व्यक्ति के लिए भी ज्यादा बड़ी नहीं है। और यहाँ पर अगर सन होता तो उसको थोड़ी सी बेल्ट, ये लेंथ तुम्हें ज्यादा लग रही कि ये लॉन्ग एटमोस्फेयर, इट्स ब्लू कलर स्कैटर इन मिड कोर्स ऑफ ट्रेवल, हाउएवर रेड कलर डज नॉट स्कैटर एंड इट रीचेस टू पर्सन स्टैंडिंग एट होराइजन। ये जो रेड कलर है तो लाल कलर की तरंग दैर्ध्य उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है जो क्षितिज पर खड़ा हुआ है, पहुंच गए। एंड द स्काई सीम्स अपीयर्ड, इवन द सन अपीयर्ड, क्योंकि सन से हमको सिर्फ रेड कलर की वेव्स मिली हैं। इस चीज को लिख रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो तो हो गया सर, बस रिटन एग्जांपल क्लियर करना है। लो वी मतलब हमें तो क्या एग्जांपल दिया है इसमें, कोलाइडर सॉल्यूशन वही दिया। ये बहुत अच्छा सर एग्जांपल, पता नहीं क्यों आपके बुक से डिलीट कर दिया। तो ये देखो ये चीज खेल करने लायक भी है कि दो ऐसे लेंस लगा दिए और एक स्लिट लगा दी, देखो स्लिट, और एक स्क्रीन यहाँ रख दी, ये स्क्रीन रख दी, यहां से यहां पे एक बल्ब रख दिया, तो इस बल्ब की लाइट यहां पड़ी ऐसे, ये दैट इज स्लिट, बहुत फाइन होल करना है। तो जो सिंगल बीम है उसको क्या कहेंगे, स्लिट। तो ये जो लाइट है बताओ ये इसके फोकस पे रहेगा, तो अगर लेंस का क्या काम है कि फोकस, अगर कोई पैरेलल रे है तो उसके फोकस को उसको कन्वर्ट कर देना, या फोकस पे ही कोई लाइट है तो उसको वो लेंस से जाएगी तो पैरेलल नहीं हो जाएगी, क्योंकि इट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, चाहे इधर से लाइट जाए उधर से, इट ऑलवेज फॉलोज द सेम ट्रैक। तो यहां से जब लाइट आई और फिर यहां तक आ गई, तो यहां आने के बाद इसमें एक पॉइंट आ जाएगी। अच्छा इसमें हमने डिटॉल डाल दिए,
तो ये कैसा सलूशन हो गया, कोलाइडर सलूशन, उसके पार्टिकल बड़े बड़े हैं। एक व्यक्ति यहाँ से इसको देख रहा है तो उसको सलूशन कैसा दिखाई पड़ेगा? तो सर इतना बोला था कि तुम जैसे कोलाइडर सलूशन देख सकते हो, फिर भी देख लो, अगर यहाँ पर तुमने इसको देखा तो उसे कैसा ये सलूशन दिखाई देगा? ये पानी रखा है एक ट्रफ में, तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से हमको सलूशन, पीछे से लाइट आ रही तो ये पूरा सलूशन नीला दिखाई देगा कि लाल? और एक यहाँ से देख रहा है तो दोनों दोस्त पूछ रहे तुम्हें कैसा दिख रहा है, तो वो ये कहेगा मुझे नीला, क्योंकि ये लाइट स्कैटर होके इसी के पास तो जाएगी, इधर वाले के पास कोलाइडर सलूशन में जो बच गई है रेड आएगी। तो कभी कभी यहाँ ब्रिक रेड, कभी क्रिमसन रेड, कभी ऑरेंज, ऐसा चमकदार यहाँ पर झिलमिलाता हुआ दिखेगा। स्क्रीन में वीडियो भी दिखाया हुआ है आपको कैसे ये बदलता है रंग। तो इस तरीके से इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग। द सेम सोल्यूशन appears the person at the side of slit, the solution appears blue, while the person at the side of screen, the solution appears red. And when the light get converged and makes a sharp point, कहाँ पे sharp point बनाती है? At the screen, then it ये जो है wobbles, वो झिलमिलाता है in a crimson red. तो सूर्य का जो लाल रंग है या brick red, कभी वैसा बन जाएगा कभी नारंगी, that is orange color. So it always changes. समझ में आ गई? So this is, और हमने इसमें क्या करा? Dettol water. Yes, soap water. इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। एक बार और समझा, फिर से समझ लो। इसमें क्या दिखाया गया है कि अगर मान लीजिए ये बड़े बड़े डिटॉल के पार्टिकल हैं, तो डिटॉल के पार्टिकल होंगे तो क्या बताओ इसमें ब्लू कलर स्कैटर कर जाएगा और नहीं कर पाएगा? तो अगर ब्लू स्कैटर कर गया तो वो उधर स्कैटर होगा कि इधर? तो मान लो वो इधर स्कैटर हुआ, हम सबसे भी इधर स्कैटर, तो इस व्यक्ति के पास कौन से कलर पहुंचेंगे? और जो हमने बताया था रेड में इधर से पार कर जाएगा तो रेड कलर, उसके रेड कलर डाइफ्रेक्ट हो रहा है। देख लो, इसको कहते हैं प्रकाश का मुड़ना, ये डाइफ्रेक्शन है, ये स्कैटरिंग। जो बच गया वो टर्न कर जाएगा, उस पानी में टर्न हो जाएगा, यहाँ से जाके ऐसे टर्न हो जाएगा सब तरफ। हैं? हाँ। यही शाम को स्पेंड करेंगे। कल शाम और परसों भी हो जाएगा।